हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। किया गया था, एक बहुत बड़ा मसला आ चुका है मुमरा के ऊपर कि हम लोगों ने आंदोलन के लिए 3 राउंड की बात टॉरेंट से हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कोई चीज आज तक लिखित में नहीं दिया था। ठीक है, तो अब आंदोलन के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा था। और मुझे आज का ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम जो गुलामी के दौर में अंग्रेजों के वक्त में गए थे, उससे कम का दौर वो नहीं है ये। क्योंकि जो लोग टॉरेंट को लेकर के आए हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह किसी किस्म का कोई हंगामा हशरात, जैसे अंग्रेज रोकते थे आम लोगों को कि कोई हंगामा नहीं हो, कोई हशरात नहीं हो, एकदम सबको दबा के रखा जाए, उसी तरीके से आज सारा सिस्टम टॉप टू बॉटम उसी तरीके से काम कर रहा है। किसी को बोलने नहीं दिया जाए, आवाज नहीं उठाने दिया जाए, और उनका सिस्टम इसी के तहत। हालांकि उन्होंने ये जवाब में ये कहा है एक लेटर में कि हम जो है 5 तारीख तक कर्फ्यू है, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे रीजन। हालांकि कर्फ्यू की बात जो है वो ये है कि कर्फ्यू रात की है, ना कि दिन की है। हम 11 बजे रात से नहीं मांग रहे थे, हमारा तो 11 बजे दिन का था, तो उनको देना चाहिए था। और कोविड का जहां तक मामला है, तो कोविड की हालत यह है कि कोविड हम गवर्नमेंट के बसेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट की ट्रेनें चल रही हैं, बाजारें पूरी खुली हुई हैं, प्लेन्स चल रहे हैं। उसके अलावा बिहार का इलेक्शन प्रधानमंत्री पूरा और सारे लोग जाके लड़ते हैं, और सारे लोग इस वक्त वेस्ट बंगाल में बिजी हैं, कहीं कोविड नहीं है। सारा कोविड जहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है मुमरा में, सारा कोविड यहीं पहुंचा हुआ है मुमरा के अंदर। और इसको इसको बाजाब्ते हम एक संदिग्ध, यानी जो कहते हैं कि यानी कि बहुत हम ऐसे नजर से देख रहे हैं कि पूरी साजिश के तहत हम लोगों को नहीं दिया गया है। लेकिन ये साजिश बहुत दिनों तक नहीं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने भी कहा है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने, कि हम आपको 5 के बाद दे देंगे। और हम भी बैठने वाले नहीं हैं, हम इंतजार करेंगे कि 5 तारीख हो और जल्द से जल्द, यानी जो 28 तारीख को आपका आंदोलन होने वाला था वो फिलहाल स्थगित किया गया है, जानबूझ करके रोका गया है। तो जाहिर सी बात है, अब जब रोका गया है तो हम रुक गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि 1 राउंड की बात आप लोग और कर लीजिए, हम भी शामिल होंगे, यानी पुलिस कमिश्नर भी उसमें, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे, वो उन्होंने कहा है कि। तो उन्होंने उसी डेट पे, यानी जो 28 को होने वाला था 11 बजे, वो ठीक 28 को 11 बजे एक हमारी बैठक कराई जा रही है ये करने की, टोरेंट के साथ हमारा ये। लेकिन हमारा मामला जो है वो हम कहीं पर भी आवाम के जो हित में है, आवाम के जो हक में है, उनके फेवर में जो बातें हैं वो वैसे ही करेंगे। और जो हम फेवर में बात कर रहे हैं वो ऐसी नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए हम बात कर रहे हैं। हम उठपटांग बात नहीं कर रहे हैं, ये डिमांड ले आए, ये डिमांड ले आए, ये डिमांड ये मांगो। अच्छा भाई साहब, आप टोरेंट से जो है लगातार आप वर्क कर रहे हैं और इस लड़ाई में कहीं आगे चल रहे हैं आप, तो क्या माना जाए कि आप टोरेंट के खिलाफ कोर्ट में भी जाकर लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, टोरेंट के खिलाफ अब आखिरी हमारे पास यही ही ऑप्शन है कि हमारे पास कोर्ट में टोरेंट को खड़ा करने के लिए इतने बड़े सबूत सब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं कि टोरेंट क्या, टोरेंट के बाप भी नहीं जीतेंगे वहां, टोरेंट के बाप वहां टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्होंने इतना ब्लंडर किया है कि सबों को गलत गलत बिल भेज दिया है और उसके साथ नोटिस भेजी है आपने। तो गलत बिल भेज सकते हैं तो एक मिस्टेक मांगनी जाएगी, लेकिन गलत बिल के साथ आप नोटिस जिस कनेक्शन का भेजा है सिग्नेचर कर करके उस पर्टिकुलर आदमी के नाम से और फोन नंबर और घर नंबर के साथ से, ये सबूत बनेगा कि एक आदमी का उससे हो क्या रहा है। देखिए, हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ मिलकर के ही वो पूरा हेल्थ कहलाता है। कंप्लीट हेल्थ का डिफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशन का, वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों होना चाहिए। एक आदमी जिसका 2000 का बिल आ रहा है, अचानक उसके घर पे वो किसी वक्त आए और 20,000 देखेगा, तो मेंटल हेल्थ उसका
बिगड़ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और टोरेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी है क्या आपके पास? देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार के साथ जो इनका एग्रीमेंट जो कुछ हुआ है ये अभी दे नहीं रहे हैं। अगली मीटिंग जो पुलिस कमिश्नर के साथ हमारी होने जा रही है वहाँ पर भी हम उनको पहले ही आगाह कर देंगे कि जब हम बैठ रहे हैं टेबल के ऊपर तो वो भी एग्रीमेंट आप सामने रख करके टेबल टॉक होगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट मीटिंग उनके साथ होगी और उसमें उनको रखना होगा। रखेंगे तो ठीक है, हम उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आज भी MSEDCL की ये फ्रेंचाइजी है, ये मालिक नहीं है, मालिक MSEDCL ही है, आज भी ये फ्रेंचाइजी है। तो मालिक ने कोई चीज अगर लगाई है, एक मीटर लगा रखा है, तो उसको आपको हक नहीं है कि उसका वाला मीटर को आप चैलेंज कर सके। आज भी आपके जो बिल है, बिल के ऊपर दोनों का लोगो है, एक तरफ टोरेंट है, एक तरफ MSEDCL है। MSEDCL तो आप MSEDCL को रिप्लेस नहीं करने के लिए आप आए हैं। हमसे यही बात हुई है कि अगर आपका बिल आपने जबरदस्ती लगा नहीं सकते हैं तो मान गए हैं कि ठीक है, जबरदस्ती हम नहीं लगाएंगे, लेकिन पता चल रहा है कि अंदर जाकर के जबरदस्ती लगा रहे हैं। हमने ये कहा है कि एक आदमी नहीं लगवाना चाहता, आपका मीटर फास्ट हो सकता है, तो वो क्या बाजार से जाकर के खरीद करके अपना ISI मार्क का कोई भी लगवा सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ लगवा सकता है, यहां तक बात। लेकिन ये सारी चीजें हमें रिटर्न में आनी चाहिए। दूसरी चीजें हमने कही है कि अगर आपने अपना लगाया और हमने उसको जो है जांच कराया, कभी हमको लगा कि फास्ट चल रहा है, अगर हमने जांच कराया और जांच में वो लगा कि फास्ट चल रहा है, तो जब से आपने लगाया है उस वक्त तक का पैसा और उसके साथ हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। और हम जांच यहाँ नहीं कराएंगे, उसकी वजह है कि देखिए, जितने भी जांच के जो घर होते हैं, जब कोई कंपनी होती है तो उनका टाई अप हो जाता है उनके साथ कि भाई जैसे ही आएगा तो हमको बता देना कि ये नंबर का मीटर आया था, हमने आपको सही रिपोर्ट दे दिया है और उसका जो आपका होगा हक वो हम आपको पहुंचा देंगे। इसलिए हमने बहुत साफ अल्फाज में लिख दिया है स्टेट से बाहर, और हमने वर्बली उनको सुना दिया है कि हम इसको दिल्ली में चेक कराएंगे, जहां हमारी सरकार है वहां के लैब में हम चेक कराएंगे, और वहां अगर आपको सही दे दिया है तो ठीक है, गलत है तो आपको भरना पड़ेगा, ये मानना आपको पड़ेगा। ये लेटर में भी हमारे लिखा हुआ है कि हम स्टेट से बाहर चेक करा सकते हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में टोरेंट के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ेंगे, जब आपके पास उनका एग्रीमेंट नहीं, राज्य सरकार और टोरेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो नहीं है, तो आप किस बेस पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, एग्रीमेंट एक चीज़ होती है, ये कोर्ट का ये तरीका होता है कि जब कोर्ट को किसी चीज़ की चाहिए उन दोनों के बीच का, देखिए कोर्ट में केस करता है कंज्यूमर, कंज्यूमर को जरूरत नहीं है कि आपके फ्रेंचाइजी क्या हुआ कोर्ट में, कोर्ट उनसे पूछता है कि आइए हम देखते हैं, आप अपना जमा कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स हमको जमा कीजिए कि आप दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है, ये पब्लिक जो है इस मसले को लेकर के आई है। तो वो कोर्ट भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, हम भी RTI के जरिए ले सकते हैं, और कोर्ट तो उनको एक फर्स्ट हियरिंग में कह सकती है कि आपके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट भी आप हमको कोर्ट को सबमिट कीजिए, वो करना पड़ेगा। कोर्ट उसके ऊपर नहीं जाएगी, कोर्ट तो जाएगी सीधा सीधा कि आपने इनको ऐसा किया तो क्या ये सही है गलत है, और आपका फिर वो मांग लेगी कोर्ट कि आप अपना दोनों का जो टाई अप हुआ वो हमको दिखा दीजिए। वो दोनों का टाई अप बस यही है कि जो रेट रहेगा वो MSEDCL का वही सब रहेगा, लेकिन उनके कुछ अलग से भी कुछ इख्तियार दिए गए होंगे फ्रेंचाइजी को, तो डेफिनेटली उसमें कुछ चीजें अलग होंगी, वो हम भी मांगेंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट वो खुद उनसे ले लेगा, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। तो आप कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे हम लोग, अगर ये मात नहीं मानते हैं और लगता है कि मुस्तकिल लोगों को परेशान हरास करते रहेंगे, तो कोर्ट हमारा जाने का बहुत जल्द, यानी हो सकता है कि हम फरवरी मार्च तक ही हम चले जाएं इसके ऊपर, क्योंकि देखिए अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में, इनसे बातें हो रही हैं, इसमें वक्त लगेगा, समझेंगे, वकील से बात करेंगे, हम अपने कोर्ट, हमारे जो अपने आम आदमी पार्टी के वकील हैं उनसे पूरा डिस्कशन होगा। जब हो जाएगा कि हाँ हम लोगों को कोर्ट अब चले जाना चाहिए, तो डेफिनेटली हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। अरे, जो मांग के आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिए हैं, इसमें जो आपने मांग की टोरेंट का, वो मांग आपकी क्या क्या चीज होती है? देखिए, टोरेंट के अंदर, टोरेंट से हमारी कुछ ही मांगे हैं, वो मांग हमारी 4-5 ही मांग है, हमारी खास मांग है उसमें। तो पहला तो हमारा मांग ये है उसमें कि जितने भी बिजली के करेक्शंस का मसला है, आप उस वक्त तक नोटिस भी नहीं देंगे और किसी का काटेंगे नहीं जब तक आप लोगों का करेक्ट नहीं कर देंगे। दूसरा हमारा डिमांड था कि नए मीटर जो है आपके जो है वो बढ़े हुए, यानी लोगों की शिकायतें ये हैं कि वो फास्ट चलती है, तो आप लगाना चाहें तो आप कंपल्सरी नहीं करेंगे, और उन्होंने माना है कंपलसरी नहीं करेंगे।
और उसको इख्तियार देंगे कि अगर लगाना चाहता है तो लगा ले, नहीं लगाना चाहता है अपना खरीद के लगवाना चाहता है तो वो लगवा ले। तीसरा था कि अगर आप जबरदस्ती लगाएं चाहे आप ऐसे भी लगाएं, अगर आपका फास्ट चलता है और वो फास्ट चलने के बाद उसको चेक कराया जाता है और फास्ट होता है तो पूरा आप खर्जाना वगैरह भरेंगे। तो इस पर उन्होंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि हर्जाना और फाइन का मसला, लेकिन उनको तो भरना पड़ेगा आपका और कंज्यूमर का, ठीक है, प्रोवाइडर का और कंज्यूमर का कोई आपस में डिस्प्यूट होता है तो आप उसके उसको जो है कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करेंगे। अगर आप एफआईआर करेंगे तो फिर हम जो है पब्लिक के साथ होंगे, क्योंकि पब्लिक ऐसे ही परेशान है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, बिल को लेकर के और मेंटली और कोरोना, और उस पर से एफआईआर एक नई चीज़ें आएंगी वो आप नहीं करेंगे, नहीं तो आप करेंगे तो हम आएंगे। उसके बाद हमारा उनके साथ ये था कि जितने भी पीडी हैं पहले के एमएससीडीसीएल के टाइम के, आपको नहीं मालूम है कि उनका क्या है, उनके साथ डिस्प्यूट था तो उसको आप मत वसूलिए, यानी कि चौक के दादा की तरफ। मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ कि चौक का बॉस होता है, मालूम है गांव वाले में जिसका भी कर्जा बाकी है वो आके बॉस को बोलता है, चौक के दादा को, और वो वसूल के देता है 50% उनका 50% इनका। तो वो वाला रोल आप प्ले यहाँ पर ना करें। एमएससीडीसीएल का क्या डिस्प्यूट है वो छोड़ दीजिए, आप जो अपना आपका है और दिसंबर तक जो बनता है उसको भी इंस्टॉलमेंट पे आप लीजिए 31 दिसंबर 2021, यानी एक साल का मौका, अभी जो दिसंबर चल रहा है अगले साल इंस्टॉलमेंट का। उसके अलावा हमने कहा था जो टॉरेंट भी करती है, गवर्नमेंट के रूल्स है कि गरीबी रेखा के जितने भी नीचे लोग हैं उन गरीबों को अलग से रियायत दी जाती है और पैसे नहीं भी लिए जाते हैं। तो गरीबी रेखा के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसका पूरा एक लिस्ट बनाया जाए और उन लोग जो बहुत है गरीबी की रेखा के नीचे है उनको बिल्कुल फ्री दिया जाए, जो थोड़ा ऊपर है उनको कम दामों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए। ये है पहले से। और अगर हमारी बात अभी एक आखिरी जो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हमारे साथ भी कर लीजिए मीटिंग, आप भी रहिए एक फरीक, वो भी रहे और मैं सिर्फ एक थर्ड एम्पायर की तरह सुनता रहूंगा आप लोगों की डिस्कशन को, वो हमारी 28 को कैंसिल किया है तो वो जवाब देंगे, 28 को वो भी रहेंगे तो वहां हमारी बात होगी। हमारी हम सारे प्रेस वालों से भी दरखास्त करते हैं कि जब हमारी मीटिंग 28 तारीख को 11 बजे 11:30 बजे शुरू होने जा रही है, जिसमें पुलिस से लेकर के टॉरेंट एक फरीक होगा, दूसरा फरीक जो है आम आदमी पार्टी होगी, और तीसरे एक थर्ड एम्पायर के तौर पर वहाँ पर पुलिस कमिश्नर्स वगैरह होंगे, तो जो भी बात है वहाँ पर प्रेस वाले आए और आकर के उसको पूरा कवर करें कि क्या बातें चल रही हैं, क्या उनकी गलतियां हैं, किस किस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग भी तशरीफ लाएं, इसको कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि क्या बातें हुई हैं।